नमस्कार जय हिंद। मैं हूँ बिलियन क्रिकेट इंडिया वेस्ट इंडीज स्पेशल रणतंत्र में आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, एशिया कप 2023 का आगाज 30 अगस्त को होगा, जबकि भारतीय टीम अपना पहला मैच 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। यह मुकाबला श्रीलंका के कैडी में खेला जाएगा। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम इस मुकाबले में अपनी मजबूत प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी। मैं आपको भटकाता नहीं, सीधे मुद्दे पर लेकर चलता हूँ। भारतीय टीम का आयरलैंड दौरा पूरा हो गया है। टीम ने आयरिश टीम को उसी के घर पर 3 मैचों की T20 सीरीज में 2 से करारी शिकस्त दी। हालांकि तीसरा मैच बुधवार को बारिश के कारण रद्द हो गया। अब भारतीय टीम सीधे एशिया कप 2023 खेलेगी। हम आपको बता दें, हालांकि आयरलैंड दौरे पर गई भारतीय टीम से कप्तान जसप्रीत बुमराह समेत 4 प्लेयर एशिया कप में खेलते नजर आएंगे। बाकी 3 खिलाड़ी स्पिन ऑलराउंडर तिलक वर्मा, विकेट कीपर संजू सैमसंग और तेज गेंदबाज प्रतीत कृष्णा जो एशिया कप की टीम में शामिल है। पहले ही मैच में तिलक वर्मा को मौका मिल सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह तिलक का डेब्यू वनडे मैच होगा। दरअसल श्रेयस अय्यर और केएल राहुल चोट के बाद सीधे एशिया कप के लिए चुने गए हैं। उन्होंने कोई मैच नहीं खेला है। राहुल को अब भी हल्की चोट है, यह बात भारतीय सिलेक्शन कमेटी के चीफ अजीत अगरकर ने कही थी। ऐसे में शुरुआती 1-2 मैचों में राहुल को बाहर रखा जाएगा, जबकि श्रेयस अय्यर को भी पहले मैच में खिलाने पर सस्पेंस रहेगा। कप्तान रोहित इन दोनों खिलाड़ियों को मजबूत पाकिस्तान के खिलाफ उतारने से परहेज कर सकते हैं। ऐसे में बल्लेबाजी के लिए नंबर 4 पर पोजीशन पर तिलक वर्मा परफेक्ट प्लेयर हो सकते हैं।